आइए हम आपको ले चलते हैं टनल 6 में। टनल 6 की लंबाई की अगर हम बात करें तो 3.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है और इसमें ट्रैक बिछाने का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। उस काम को भी मैंने आपको दिखाया था, बैलास्ट्रेस ट्रैक है। अब सीधा सीधा चेनाब पुल से जब आगे बढ़ेंगे तो टनल 6 शुरू हो जाएगी। टनल 6 के बाद जो पहला स्टेशन है अगर हम उसकी बात करें तो दुग्गा स्टेशन है। दुग्गा स्टेशन के पास तक ट्रैक बिछाया जा चुका है और यहाँ पर जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये ट्रैक बदल चुका है। चेनाब ब्रिज पर जो ट्रैक था वो ट्रैक सिर्फ पुल के लिए होता है, पुल के आगे जो स्थिति होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें रेलवे ने एक और बड़ी बुद्धिमानी की है कि इस तरीके का जो ट्रैक बिछाया गया है इसमें ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके के ट्रैक में हम कह सकते हैं कि पत्थर नहीं है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर होने की संभावना भी नहीं रहती है। और ज़्यादातर ट्रैक USBRL का सुरंग से होकर जा रहा है। 111 किलोमीटर में से 90% से ज़्यादा ट्रैक सुरंग के अंदर से जाता है और यहाँ पर हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं, सीधा सीधा वो सुरंग जो तैयार हो चुकी है। और इसमें जो काम है काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। यहाँ पर जो टेलीकॉम के लिए भी जगह बनाई जा चुकी है, साथ ही साथ सिग्नलिंग के लिए भी जगह बनाई जा चुकी है। ये टनल तैयार की जा चुकी है, ये टनल तैयार हो चुकी है। 3.4 किलोमीटर लंबी टनल है। खुद रेल मंत्री इस टनल के अंदर पहुंच रहे हैं और जो मोटराइज ट्राली है उसके जरिए हम यहां पर अंदर पहुंचे हैं। और इस परियोजना की अगर हम बात करें तो ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें तरह तरह की चीज़ें इसको नंबर वन बनाती हैं। मसलन चेनाब ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो मेहराबदार जो पुल है अगर हम उसकी बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ये क्लेम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रैक है वो एक मुड़ाव है, इसके अंदर एक तरीके से घुमाव है और उस घुमाव पर ट्रेन चलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो उसके पटरी से उतरने का खतरा कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि बीच वाली जो जगह आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको पटरी से उतरने के में रोकती है, और क्योंकि अगर टनल के अंदर कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक भयावह स्थिति होगी, तो उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने के लिए तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग टनल के अंदर आ चुके हैं। टनल के अंदर और बाहर के तापमान की बात करें तो अच्छा खासा अंतर है। यहाँ पर अगर अंतर की बात करें तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि बाहर और अंदर में कम से कम 10 से 12 डिग्री का अंतर सीधा सीधा है। जैसे जैसे हम लोग टनल के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे एक अलग तरीके की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जब इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलेगी और ट्रेन में बैठकर हम सफ़र करेंगे तो आप समझिए कि एक उस तरीके की फीलिंग आ रही कि जब तेज़ रफ्तार चलेंगे इसमें। अभी तो हम मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से धीरे धीरे करके चल रहे हैं। और यहाँ पर सुरंग को हमने इस सुरंग को आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से इसमें ट्रैक डाला जा रहा है, किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की अगर हम बात करें तो कटरा बनिहाल को मिसिंग लिंक बोला जाता है, यानी जो बारामूला से बनिहाल के बीच में ट्रैक पहले ही पड़ चुका है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक है और वहाँ पर ट्रेन चलती है। लेकिन बनिहाल से आगे की अगर हम बात करें तो रेल लाइन कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटना भेदना ये सारा काम किया गया है। रेलवे की अलग अलग एजेंसीज इसमें लगी। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे की तो कोंकण रेलवे का बेहतरीन अनुभव यहाँ पर काम आया। साथ ही साथ इरकान की बात करें तो इरकान ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवे के तहत आता है, तो नॉर्दर्न रेलवे के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार इस प्रोजेक्ट पर नज़र रखे हुए हैं। वो इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नज़र है।
एक बड़ा प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने जा रहा है और यहाँ पर हम टनल के अंदर चलते चले जा रहे हैं क्योंकि पूरी टनल पूरी हो चुकी है और इसमें अब जो काम होना है वो हम कह सकते हैं यही है कि इसमें ट्रेन चलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो साइड में आपको रेड कलर की पाइप दिख रही है अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर है क्योंकि इस ट्रेन में अग्निशमन के भी इंतजाम किए गए हैं कि कभी आग लग जाए तो किस तरीके से उसको बुझाया जाएगा। और यहाँ हिमालय में टनलिंग आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हिमालय की जियोलॉजी एकदम नई है और नए पहाड़ हैं तो उनमें टूट फूट ज़्यादा है। इस समय की बात करें तो कई टनल्स में अभी काम काफ़ी एडवांस स्टेज पर है लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है अगर हम उसकी बात करते हैं तो टनल वन में है। टनल वन में इस समय हम कह सकते हैं कि 170 मीटर का हिस्सा अभी खोदा जाना है। आप सोच रहे होंगे 170 मीटर का हिस्सा तो बड़ा छोटा सा है लेकिन नहीं, ये छोटा नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी का बहाव आ रहा है, मडस्लाइड हो जाती है, लिहाजा उसको खोदने के लिए एक अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टनल का पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ये टनल है और यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करें तो ये पहली दफ़ा इस टनल को देख रहे हैं क्योंकि ये टनल तैयार है। और कई बार हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे काम हो रहा है, चाहे वो संगलदान हो, दुग्गा हो या दूसरे स्टेशन है जिसमें रियासी है या हम कह सकते हैं कटरा के स्टेशन को भी हमने दिखाया कि किस तरीके से आगे की लाइन डाली जा रही है। यानी एक बड़ा काम हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है ये कहा जा सकता है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को सीधा सीधा कन्याकुमारी से जोड़ने की ये कवायद है। आने वाले समय में अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें चलेंगी जो सीधा श्रीनगर पहुंचेंगी। और इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सेना के लिहाज से इसको काफ़ी रणनीतिक माना जा रहा है और ये रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में जब कभी भी सेना के मूवमेंट की ज़रूरत होगी तो बड़ी आसानी से ट्रेनों के जरिए हमारी सेना बॉर्डर पर पहुंच सकती है। अभी की अगर हम बात करें तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आने वाले दिनों के लिए भी अगर देखें तो एक और परियोजना तैयार की जा रही है, यानी बिलासपुर मनाली लेह परियोजना पर भी काम करने का इरादा है भारत सरकार का। तो आने वाले दिनों में वो ट्रैक भी तैयार होगा और वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चीज़ मानी जा रही हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चिनाब ब्रिज, टनल नंबर 6। बड़े